मैं आपका दोस्त राज पुंडीर और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड नामा कुक विद शेफ राज पुंडीर में। तो देखिए आज की रेसिपी। थैंक यू सो मच, आपका दोस्त राज पुंडीर। तो आज मैं आपके लिए बना रहा हूँ एक बहुत ही बेहतरीन रेसिपी, नाम है वेज ग्रेवी। वेज ग्रेवी मतलब एक ग्रेवी बनाए और उसमें से बनाइए 50 डिश। इसको कह सकते हैं आप ऑल पर्पज ग्रेवी भी कह सकते हैं। तो वेज ग्रेवी कैसे बनती है ये सब आपको देखने होगा वीडियो को लास्ट तक। तो देखते हैं छोटे से इंट्रो म्यूजिक के बाद। तो वेज ग्रेवी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिए प्याज। प्याज को मैंने अच्छे से छील दिया और उनको बिल्कुल स्लाइस में मैंने काट दिया, ये देखिए बिल्कुल फाइन स्लाइस एकदम। और उसके बाद क्या करना है कि जो मैंने प्याज काटे उनको एक कढ़ाई पर रखेंगे, गरम तेल बिल्कुल गरम होना चाहिए और प्याज को कर देंगे फ्राई। इस तरह से प्याज को जाने देंगे कढ़ाई के अंदर और उसे अच्छे से फ्राई कर देंगे। और इसे बीच बीच में क्या करना है कि किसी स्टिक से या लैडल से इसको हिलाते रहें ताकि प्याज नीचे ना लगें और प्याज जल ना जाए। और जब हमारे प्याज में गोल्डन ब्राउन कलर आने लगे तो फिर हमने प्याज को निकाल देना है बाहर तेल से और किसी पेपर को बिछा के उसके ऊपर डाल देंगे। देखो हमारे प्याज में कितना बढ़िया कलर आ गया, आप देख सकते हैं एकदम गोल्डन कलर। और अब मैं इसको निकाल रहा हूँ बाहर एक ट्रे के अंदर और मैं इसके साथ लूँगा एक बाउल में दही। दही आपको लेनी है आपकी प्याज की क्वान्टिटी के अनुसार। मैंने लिए इस टाइम यहाँ पर 10 किलो प्याज और उसके अंदर मैंने दही लिए 1 किलो और इस दोनों को मैं मिक्स कर दूँगा बढ़िया से और इसका बना दूँगा पेस्ट। और मैंने लिए इसके लिए काजू और मगज। 10 किलो प्याज में मैंने लिए 2.5 किलो काजू और मगज। इनको अच्छे से धो के फिर मैं इनको उबालूंगा। ये देखिए मैं अच्छे से पानी के नीचे धो लिए इनको और ये उबालने के लिए रखे और अच्छे से इनको उबाल दिया। ये जो इसमें ऊपर से थोड़ा गंदगी सी दिख रही इसको निकाल देंगे क्योंकि काजू के अंदर काफ़ी गंदगी होती है, उबलने के बाद भी निकलती है बाहर। और फिर मैंने इसको क्या करना है कि छान देना है एक छन्नी के अंदर और इसे ठंडे पानी से वॉश कर देना है फिर नल के नीचे रख के। ये देखिए ये हमारा बिल्कुल हो गया साफ। और अब मैं इसका बना दूंगा एकदम फाइन पेस्ट। ये देखिए कितना बढ़िया पेस्ट है काजू मगज का बन गया। और उसके बाद रखूंगा मैं एक भगोना गैस के ऊपर, उसमें जाने दूंगा तेल और इसके अंदर मैं ऐड करूंगा थोड़ा अपने इंडियन स्पाइसेस गरम मसाले, हरी इलायची, तेज़पत्ता, दालचीनी, लविंग और जावित्री। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से क्रैक होने दूंगा। जैसे हमारे मसाले क्रैक होने लगे ये देखिए इसके अंदर मैं जाने दूंगा 2 से 2.5 स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट और इसे अच्छे से भूनना मैंने जिंजर गार्लिक के पेस्ट को जब तक कि हल्का सा ब्राउन नहीं होता। और मैंने वो ब्राउन होने और जो दही को मिक्स किया था ना उसका मैंने एक बढ़िया सा पेस्ट बना दिया। देखिए कितना बढ़िया पेस्ट बना इसका, एकदम फाइन पेस्ट। और फिर ये काजू और सॉरी ये जो अदरक लहसुन का मैंने पेस्ट डाला इसको मैंने भूनते रहूँगा जब तक इसमें बढ़िया कलर आता है। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगा थोड़ा सा क्या अपनी हल्दी पाउडर 2 स्पून और फिर ये देगी मिर्च और हल्दी पाउडर हम पहले डाल देते हैं इसके अंदर ताकि इसका जो कलर आएगा ना बहुत ही बढ़िया उठ के आने वाला कलर होगा। और इसे अच्छे से भून लेंगे इस तेल के साथ में, मसालों के साथ में। और इसके अंदर मैंने डाली है 1/2 लीटर टमाटो प्यूरी। आप चाहें तो टमाटो पेस्ट भी डाल सकते हैं टमाटर को पीस के, लेकिन मैंने टमाटो प्यूरी इसके अंदर डाली है 1/2 से 1.25 लीटर। और इसके लिए मैंने एक फिर बाउल लिया, मैंने इसके अंदर मसाले डाले। इसमें मैंने लिया धनिया पाउडर, किचन किंग, ये अपना थोड़ा सा जीरा पाउडर, ये जीरा पाउडर अपना और ये थोड़ा सा और जीरा पाउडर इसके अंदर ऐड किया। और इसे ऐड करूँगा गर्म पानी और गर्म पानी के साथ में इसे मैं मिक्स कर दूँगा बढ़िया से ताकि मसाले हमारे घुल जाएँ आपस में। अगर मैं डायरेक्ट मसाले डालूँगा तो थोड़ा लम्प से रह जाए, इसलिए मैं गर्म पानी के अंदर इसको घोल के और ये भी मैंने इसके जाने दिया पतीले के अंदर। और फिर इसमें इस मसालों को भून लूँगा बढ़िया से 5 से 7 मिनट। और ये जो मैंने प्याज और दही का पेस्ट बनाया ना अब मैं इस पतीले के अंदर जाने दूंगा क्योंकि जो मैंने मसाला डाला है देगी मिर्ची डाली वो सारे हमारे अच्छी तरह से उन्होंने अपना रोगन सा छोड़ दिया है। अच्छा थोड़ा सा हिलाने के बाद मैं इसके अंदर जाने दूंगा ये पेस्ट। और ये देखिए मैंने इसके अंदर पेस्ट ऐड कर दिया है ये और अब इसे मैं मिक्स कर दूँगा बढ़िया से ताकि जो मसाले मैंने डाले हैं वो सारी इसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए और ग्रेवी का एक अपना स्वाद बढ़िया उठ गया। ये देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया आ रहा है बिल्कुल। इसमें हल्का सा पानी ऐड करके ये भी मैं इसके अंदर डाल दूँगा और इसे पकने देना है बराबर। देखिए कलर देखिए कितना बढ़िया कलर आया अभी जब इसके अंदर काजू और मगज का पेस्ट ऐड होगा तो और उठ के इसका कलर आएगा एकदम गोल्डन कलर आएगा, येलोनियस में आ गया इसका कलर येलो। ये देखो काजू का पेस्ट भी मेरा रेडी हो गया, जो काजू और मगज था ना मैंने उसको पीस लिया और वो भी मैं इसके अंदर जाने दूंगा अंदर।
और इसे हमें घुमाते रहना है, छोड़ना नहीं है ताकि ग्रेवी नीचे ना लगे। और अब इन चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देंगे और गैस को एकदम मीडियम फ्लेम पे मैंने रखना है ताकि हमारी ग्रेवी अच्छे से कुकड़ हो जाए। ये देखिए, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दूंगा। उसी पैन में लेंगे पानी जिसमें मैंने काजू मगज का पेस्ट रखा था, ताकि जो इसके अंदर बचा हुआ है वो भी आ जाए और इसके अंदर ग्रेवी में पानी की भी वो अब। और ये देखिए, ग्रेवी में अब उबाल आने लगा है बढ़िया सा। आप देख रहे हैं कैसे बुलबुले ग्रेवी छोड़ रही है हमारी। तो ये जो ग्रेवी है ना, वेज ग्रेवी, इससे आप कई टाइप की डिश बना सकते हैं। आलू मटर, मटर पनीर, वेज कोफ्ता, वेज करी, कोई भी मतलब वेज की आइटम आप चाहें इसके अंदर चिकन वाली आइटम भी बना सकते हैं। ये वेज ग्रेवी वो होटल रेस्टोरेंट के अंदर एक मदर ग्रेवी है, इससे कई डिशें बनती हैं। और ये देखिए कितना बढ़िया उबाल आ रहा है और बुलबुले उठ रहे हैं ग्रेवी। मैं इसे कंटिन्यू पकाना है इसको कम आधा से एक घंटे तक। और फिर देखिए इसमें जब अच्छा सा उबाल आने लगे तो फिर क्या करना है, आपने ढक्कन खोल के देखना है कि ग्रेवी अब हमारी थिक होने लगी। इसका मतलब कि हमारी ग्रेवी ऑलमोस्ट अब तैयार है। तो आपने क्या करना है कि एक स्ट्रेनर लेना और स्ट्रेनर के सारे इस छन्नी को, जो ग्रेवी मैंने बनाई इसको छान लेना है, ताकि जो इसके अंदर गर्म मसाले थे वो बाहर निकल जाएँ और आपके पास रह जाए स्मूथ ग्रेवी। ये बड़ी स्मूथ होती है। नमक हमने इसमें इसलिए नहीं ऐड किया कि ये बेस है, जब आप कोई डिश बनाओगे तो उसके अंदर आपने नमक ऐड करना। ये देखिए मैंने लगा यहाँ पे एक स्ट्रेनर और सारी ग्रेवी मैंने इसके अंदर छान ली है। इस तरह से आपने लैडल से इसे या कोनिकल से इसे यूँ छानना है ताकि कोई भी मोटे से पार्टिकल इसके अंदर रहें वो यहीं रह जाएँ और बारीक हमारी ग्रेवी एकदम स्मूथ ग्रेवी हमारी निकले। तो मैंने जो आपको ये ग्रेवी बना के बताई ना, ये होटल और रेस्टोरेंट में इसी टाइप की ग्रेवी बनती है और इसी से बन जाती है 50 से 100 टाइप की डिश। तो आप भी इस ग्रेवी को अपने घर पे बना सकते हैं। आप कम मात्रा में बनाओ और अपनी मनपसंद की डिश बनाइए। तो ये देखिए ग्रेवी हमारी बिल्कुल हो गई तैयार, कितनी स्मूथ ग्रेवी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ 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 करें लाइक, शेयर और कमेंट। अगर चैनल को अब तक आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ चैनल को करें सब्सक्राइब। नई वीडियो आने तक के लिए आपका थैंक यू।